वैसे तो आज पहली बार मैं एक लैपटॉप का वीडियो लेकर आया हूँ और ये एक क्रोमबुक है जो मुझे अभी फ्लिपकार्ट पे एक ऑफर आया था और उस ऑफर में मुझे ये क्रोमबुक मिल गई 21,000 रुपये में। काफ़ी इंटरेस्टिंग थे स्पेक्स है इसके और मैंने सोचा क्यों ना इसके लिए एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का मेन पर्पस ये है कि आप इस प्राइस में 20-21,000 रुपये के प्राइस में टैबलेट वगैरह खरीदते हैं। अब टैबलेट खरीदना वर्थ है कि ये इस तरह की क्रोमबुक खरीदना वर्थ है, क्योंकि ये भी एंड्रॉइड बेस्ड है, सारी चीज़ें उसमें आपको उस तरह की मिलती हैं। तो करते हैं इसके बारे में बातचीत और कितना ज़्यादा वैल्यूएबल ये डिवाइस है और 21,000 रुपये में क्या ये मेरे लिए वर्थ रहा कि नहीं रहा, तो बात कर लेते हैं। तो पैकेजिंग जो है आपको ऐसे की तरह से जबरदस्त पैकेजिंग मिली फ्लिपकार्ट की तरफ से, ये आया था मेरे को और इन तीन डब्बों में मस्त पैक करके भेजा उसने मुझे, और ये इंटरनेशनल इस पर ब्रांडिंग वगैरह कर रखी थी, ये मतलब ये इंपोर्ट करा हुआ शायद प्रोडक्ट था, क्योंकि तभी ये मुझे ऑफर में काफी सस्ता मिल गया। तो ये है वो क्रोमबुक, इस तरह की क्रोमबुक है, इसमें जो आपको डब्बा है इसमें आपको तीन चीजें मिल जाती है, एक तक की क्रोमबुक मिल जाएगी, आपको एक चार्जर मिल जाएगा टाइप सी वाला और एक कागज वगैरह की बुकलेट दे रखी है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि भाई आपका बैठा आपको पूरे समझाने के लिए। तो क्रोमबुक जो है फिनिश के मामले में काफी अच्छी लगी मुझे, और ये मेटेलिक पूरी जो है क्रोमबुक यहां पर थी, और इंटरेस्टिंगली इसको मिलिट्री ग्रेड दे रखा है इन्होंने, मतलब आप अगर बात करते हैं इसको पूरा जो मेटेलिक बिल्ट है वो काफी सॉलिड है, टच काफी अच्छा दे रखा है, और जो फील है ना लुक है वो मुझे पर्सनली थोड़ा सा एप्पल की मैकबुक वाला लगा, स्लिम भी है। फ्रंट में यहाँ पर जो है आपको ऐसे की एम्ब्रोज ब्रांडिंग देखने को मिलती है, यहाँ पर टॉप पर जो है क्रोमबुक लिखा हुआ है। एंड द इंपॉर्टेंट चीज पता है इस डिवाइस की सबसे खास बात क्या है कि ये एक जो है रोटेटिंग स्क्रीन के साथ में आती है, यानी कि टच स्क्रीन आपको देखने को मिल जाती है। ये स्पिन 713 करके मॉडल है, आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हो। तो ये जो मॉडल है इसमें आपको टच स्क्रीन जो है पूरी प्रॉपर देखने को मिलती है, और इस तरीके से जो है ये फ्लिप रोटेट हो जाती है। तो ये मुझे पर्सनली टच इसका काफी अच्छा लगा कि आपको एक इस प्राइस में, इस प्राइस ब्रैकेट में आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन मिल जाती है। अब ये टेक्निकली टैबलेट का भी काम कर रहा है और आपका नॉर्मल लैपटॉप का भी काम करता है। बाकी इसके फिजिकल ओवरव्यू को लेकर बात करूं मैं, तो यहाँ पर आपको बढ़िया सा कीबोर्ड दे रखा है, रिस्पॉन्स काफी अच्छा लगा मुझे, कीबोर्ड पर्सनली अच्छा लगा, मतलब मैं टाइपिंग वगैरह इस पर करके देखी, मुझे इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा लगा। एक जो प्रॉपर फील आता है ना, मतलब मैंने प्रीमियम मैकबुक वगैरह भी ट्राई कर रखा है, तो उस तरह का मतलब कहीं ना कहीं फील है इसका, नॉट द बेस्ट बट स्टिल मुझे प्राइसिंग के हिसाब से काफी अच्छा लगा इसका कीबोर्ड। अब यहाँ पर आप कुछ चीजें देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए हल्के से यहाँ पे कोने पे वो चीजें दे रखी है, एजेस पे रबड़ प्रोवाइड कर रखे हैं। राइट साइड में यहाँ पे देखेंगे लैपटॉप के, तो आपको यहाँ पर पावर ऑन ऑफ बटन दे रखा है, साथ में आपको एक टाइप सी पोर्ट है, एक HDMI पोर्ट दे रखा है, और वॉल्यूम कंट्रोल के लिए भी इन्होंने यहाँ पे डेडिकेटेड बटन दे रखे। अदर साइड पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक टाइप सी पोर्ट एक्स्ट्रा देखने को मिलता है, ये चार्जिंग के लिए भी यूज होता है, प्लस यहाँ पे आपको USB दे रखा है और आपको 3.5mm ऑक्स का पोर्ट भी दे रखा है, तो आप यहाँ पे ऑक्स स्पीकर वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं, हेडफोन वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं, और आपको यहाँ पर एक जो है SD कार्ड का स्लॉट देखने को मिलता है। अब ये SD कार्ड का स्लॉट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो बिल्ट इन स्टोरेज है वो 64GB की है और ये EMMC स्टोरेज है, तो मतलब आप अगर इसकी स्टोरेज बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आपको जो है SSD कार्ड, जो नॉर्मल SD कार्ड नहीं आते, आपको हाई स्पीड SD कार्ड खरीदना पड़ेंगे। अब वो 5-6,000 रुपया खर्चा कहीं ना कहीं, और ज्यादा अगर आप 1 TB के SD कार्ड लेने जाओगे तो 5-6,000 रुपया खर्चा है, हाई स्पीड आपको इंटरनेट में मिल जाएगा और उसको आप यहाँ प्लग इन करके इसकी स्टोरेज को आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि इसकी स्टोरेज जो इनबिल्ट है वो काफी कम है। बाकी 8GB रैम के साथ ये आता है और इंटेल के i5 प्रोसेसर के साथ में है, ये 10th जनरेशन का प्रोसेसर इसमें लगा रखा है इन्होंने, और परफॉर्मेंस टर्म्स में काफी अच्छा लगा मुझे, अगर आप डे टू डे टास्क की अगर बात करते हैं तो काफी फुलफिल हो जाता है। इसकी फीचर्स के बारे में और पर्सनली बात करेंगे, बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करने के लिए है इसके स्क्रीन, ये जो स्क्रीन है ये 3:2 रेशो के इसमें आती है, मतलब यानी कि आपको ये बहुत लॉन्ग या वर्टिकल देखने को नहीं मिलती, क्योंकि यूजुअली जो लैपटॉप की स्क्रीन है वो 16:9 के रेशियो में आती है और वो जो है आपको हॉरिजॉन्टली काफी वाइड लगती है। अब ये जो है एकदम परफेक्ट रेशियो मुझे लगा 3:2 का, और अच्छा है, वाइड भी है, लॉन्ग भी है, और आप यहाँ मल्टीटास्किंग वगैरह करेंगे तो काफी इजीनेस आ जाती है, प्लस आप इसको टैबलेट मोड में चलाएंगे तो वो एक एक्सपीरियंस और बेहतर हो जाता है। इवन यहाँ पर उन्होंने स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास भी लगा रखा है, एंड स्क्रीन क्वालिटी काफी अच्छी लगी मुझे, इंप्रेस जो मैं 2K रेजोल्यूशन का ये डिस्प्ले है, कलर्स वगैरह काफी अच्छे हैं और ब्राइटनेस भी मुझे अच्छी लगी। बस इसमें अगर एक चीज जो कौन मुझे पसंद लगा डिस्प्ले में कि ये एंटी ग्लेयर डिस्प्ले नहीं है, मतलब अगर आप इसको लाइटिंग में लेके बैठेंगे तो आपको दिक्कत आएगी, थोड़ा सा वहां पर मुझे यूजेज में इशू आ रहा था, बाकी अगर नॉर्मल आप यूज कर रहे हैं स्क्रीन बहुत अच्छी लगी मुझे, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और इंप्रेस हुआ मैं पर्सनली स्क्रीन से। बट यहाँ पर एक जो बेसिक कॉन मुझे नोटिस हुआ कि इसके स्पीकर उतने पावरफुल नहीं है, मतलब आपको बॉटम में यहाँ पे स्पीकर्स दे रखे हैं जो कि डिसेंट परफॉर्म करते हैं, और मतलब आपको एक एक्सटर्नल स्पीकर यूज करना ही पड़ेगा या फिर हेडफोन यूज करना पड़ेगा क्योंकि इतना ज्यादा लाउड नहीं है। सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर आपने फैन भी ऑन कर रखा है या कूलर या AC भी ऑन कर रखा है तो काफी जो है आवाज बहुत नॉमिनल हो जाती है, तो वो एक थोड़ा सा मुझे कंसर्न लगा कि इसके स्पीकर इतने जबरदस्त नहीं है। बट बाकी चीजों के लेके बात करें तो वाईफाई 6 के साथ में आता है, तो कनेक्टिविटी में आपको दिक्कत नहीं आने वाली क्योंकि यहाँ पे लैन पोर्ट वगैरह नहीं दे रखा है, तो आपको इसको वाईफाई से ही कनेक्ट करके यूज करना पड़ेगा। इवन यहाँ पे जो कनेक्टिविटी इसमें 5 GHz और 2.4 GHz बैंडविड्थ दोनों सपोर्ट करता है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ब्लूटूथ के साथ में है तो ब्लूटूथ वगैरह से आप डिवाइसेस वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं, हेडफोन्स हो गए आपके, स्पीकर वगैरह कनेक्ट कर दिए, तो जितने भी हार्डवेयर है वो काफी फुलफिल्ड है, और HDMI पोर्ट से आपको एक एक्सटर्नल डिस्प्ले वगैरह के तौर पर
यूज करना है या अगर आपको बड़े डिस्प्ले में कनेक्ट करना है तो वो ऑप्शन भी आपको दे रखा है। अब यूजेबिलिटी टर्म्स की बात करता हूं मैं यहां पर, तो मैं इसको टैबलेट से कंपेयर करना चाहूंगा। और जब कभी भी आप टैबलेट खरीदते हैं सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि आपको उसके साथ में एक्सेसरीज और एक्स्ट्रा खरीदना पड़ती है। लाइक फॉर एग्जांपल आपको सेपरेट कीबोर्ड खरीदना पड़ेगा जिसमें माउस पैड या ट्रैक पैड आता नहीं है, उसके लिए आपको एक सेपरेट माउस कनेक्ट करना पड़ेगा, तो वो मुझे पर्सनली कौन लगता है। बट इस लैपटॉप या इस क्रोमबुक के साथ मुझे ये बेनिफिट लगा कि आप इसको प्रॉपर लैपटॉप की तरह यूज करते थे, आपको यहाँ पे प्रॉपर कीबोर्ड दे रखा है, एक बढ़िया ट्रैक पैड देखा और ट्रैक पैड भी काफी अच्छा वर्क करता है, प्रॉपर टच पैड के साथ में आता, तो आप सारी चीजें यहाँ पे काफी इजीली कर सकते हैं। और जैसे ही आप इसको रोटेट करते हैं तो आपका कीबोर्ड और टच पैड जो है डिसेबल हो जाता है और अब आप यहाँ पर इसको टच स्क्रीन को प्रॉपर यूज कर सकते हैं। तो ये जो फंडा है मुझे पर्सनली इसके साथ बेनिफिट लगा, यही कहने के टैबलेट में दिक्कत बन जाती है। अब इसके जो ओएस को लेकर बात करें, क्रोम ओएस जो है वो थोड़ा सा जो है ऑप्टिमाइज कर रखा है, एंड्रॉइड बेस्ड प्लेटफॉर्म पर ही है, बट यहाँ पे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वगैरह आप इंस्टॉल नहीं कर सकते, उसके लिए आपको डेवलपर मोड ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक अच्छी चीज उन्होंने करी कि लिनक्स का इसमें आपको जो है डेवलपर मोड सपोर्ट दे रखा है, तो आप उसको एनेबल कर सकते हैं। अब परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने कुछ गेम्स वगैरह भी ट्राई करके देखे, गेम्स के मामले में भी मुझे मतलब कोई दिक्कत नहीं आई, मतलब आप थोड़े बहुत कैजुअल गेम्स इसमें आराम से खेल सकते हैं जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वो सारे गेम्स आप यहाँ पे इंस्टॉल करके एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, नॉट हेवी गेम लाइक जैसे बीजीएमआई वगैरह मैं ट्राई कर रहा था, थोड़ा सा लेग आ रहा था, उसको आपको जो है लो सेटिंग्स में खेलना पड़ेगा। बाकी अगर मैंने एसक्वाल्ट की बात करूँ तो एसक्वाल्ट को भी आपको लो सेटिंग्स में खेलना पड़ेगा, तो गेमिंग के हिसाब से टेक्निकली ये नहीं है। बट अगर आप इसको प्रोडक्टिविटी के तौर पर देखते हैं, जैसे अगर आपको एक्सेल पे वर्क है या स्प्रेडशीट पे वर्क है या गूगल ड्राइव पे आपको कुछ काम आता है या फिर ईमेल्स वगैरह करने होते हैं या आपको कुछ कंटेंट वगैरह थोड़ा बहुत वॉच करना है, तो ये उस पर्पस के लिए है टेक्निकली, मतलब आप इसमें हेवी गेमिंग वगैरह नहीं एंजॉय कर सकते। बट परफॉर्मेंस टर्म्स में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें इजीली काफी अच्छे ब्राउजर में जब मैंने मल्टीपल इसमें टैब्स खोले काफी इजीली खुल गए और सारे एक्टिव थे, इवन अगर पावर ऑफ भी हो जाता तो जहां से आपने एंड किया था वापस वहीं से आप शुरू कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे पर्सनली जो ऑप्टिमाइजेशन है वो काफी अच्छा लगा। इवन इसमें आपको लिनक्स का डेवलपर मोड भी दे रखा है, तो अगर आप लिनक्स यूज करते हैं या उस पर कोडिंग वगैरह करते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर पाएंगे, उसके लिए उन्होंने यहाँ पे टर्मिनल प्रॉपर बना रखा है। अब यूजुअली आप मार्केट में लैपटॉप लेने जाओगे, अगर विंडोज प्लेटफॉर्म की बात करता हूँ तो 35,000 से 40,000 रुपए का पड़ेगा, बट यही चीज आपको जो बेसिक आपकी जो रिक्वायरमेंट उसको फुलफिल कर देती है। कैमरा भी दे रखा है यहाँ पे इन्होंने, तो अगर आप जूम मीटिंग वगैरह करते हैं तो वो भी आप कर पाएंगे। कैमरा की क्वालिटी डिसेंट है, उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, बट स्टिल अगर आप लाइटिंग वाले सिनेरियो में बैठेंगे तो बेसिक जो आपको वीडियो कॉल का काम है वो ये कर देगा, ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। अब चूंकि ये एंड्रॉइड बेस्ड प्लेटफॉर्म है तो आपको थोड़ा सा जो एंड्रॉइड वाला फील देखने को मिलेगा, जिसमें आप स्क्रीन वगैरह कास्ट कर सकते हैं, आपके जो एंड्रॉइड फोन है उनको आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके साथ में क्विक शेयर वगैरह जो है, सारी जो एंड्रॉइड बेस्ड चीजें हैं वो तो पूरी आपको यहाँ पर है ही, जिससे आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एक सेकेंडरी एंड्रॉइड फोन है और आप उसको एक बड़े प्लेटफॉर्म पे चलाना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, तो आप इस तरह की चीज खरीद सकते हैं। मुझे पर्सनली बस उसी पॉइंट से वैल्यूएबल लगा कि अगर आप मार्केट में टैबलेट लेने जाएंगे वो 20-21 हज़ार रुपए के अराउंड आपको पड़ता है। हाँ, ये वैसे ऑफर में मुझे मिला, अभी करेंटली प्राइसिंग जो है इसकी लगभग 28-29 हज़ार रुपए के आसपास हो चुकी होगी, बट जब ये मुझे ऑफर में मिला तो मुझे कहीं ना कहीं बेस्ट डील लगी, तो इसको परचेस किया। और एक्सपीरियंस वाइज मैं ये कह सकता हूं कि मुझे टैबलेट से ज्यादा इसकी प्रेफरेंस लगी कि आप इसको टैबलेट की जगह खरीद सकते हैं। स्क्रीन आपको काफी बड़ी मिल जाती है, 13.5 इंच की ये स्क्रीन है और इवन आपको यहां पर जो है 10 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है, क्योंकि काफी ऑप्टिमाइज्ड है, तो यहां पे आपको डेफिनेटली जो विंडोज लैपटॉप है उनसे ज्यादा बैटरी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। तो इन ओवरऑल टर्म्स मैं ये कह सकता हूं कि Acer का ये लैपटॉप काफी इंटरेस्टिंग है, काफी अच्छा है, और अगर आप क्रोमबुक देख रहे हैं, क्रोमबुक खरीदने का मन बना रहे हैं, तो आप इसको जरूर से चेकआउट कर सकते हैं, मतलब मैं पर्सनली आपको जो है रिकमेंड कर सकता हूं। वैसे इस वाले मॉडल की सारी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप पूरा चेकआउट कर लेना। बाकी अगर आपको कोई सवाल मन में आ रहे हो या डाउट आ रहे हो कि देखो पहली बार मैंने लैपटॉप रिव्यू किया है तो मुझे भी इतनी ज्यादा चीजें नहीं पता होती कि क्या क्या और बताना होता है, तो कुछ भी कमेंट्स आप करेंगे तो मैं उसका आपको प्रॉपर रिप्लाई दूंगा, तो आप कमेंट कर लेना। बाकी अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करना, दोस्तों के शेयर करना, और इस तरह की डील्स वगैरह आप देखना चाहते हैं, आप भी ग्रैब करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी ये इस वीडियो में नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेटल रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।